ठीक है, चलो आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है, कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था, जब हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं तो वहाँ पे जावा लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास का नेम लिखते हैं। ठीक है, इस टाइप से जब हम लोग उसको रन करते हैं, याद है जब हम लोग कमांड लिखते थे ना, CMD। ठीक है, ऐसे लिखते थे ना, जावा स्टूडेंट। ठीक है, ये हम लोग रन करते समय हम लोग लिखते थे। ठीक है, इसके साथ में अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालता हूँ, ठीक है, तो ये सारे कमांड्स लाइन होते हैं। ठीक है, क्या होता है? कमांड लाइन होता है। ठीक है, अब ये वाला जो कमांड लाइन है वो कहाँ पे कैच करेगा? जब हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, वहाँ पे वो कैच करता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका। ठीक है, द कमांड लाइन आर्गुमेंट इज़ द आर्गुमेंट दैट पास टू ए प्रोग्राम ड्यूरिंग रन टाइम। इट इज़ द वे टू पास आर्गुमेंट टू द मेन मेथड इन जावा। दीज आर्गुमेंट स्टोर इन टू द स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट पैरामीटर विच इज़ द मेन मेथड पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस प्रोग्राम को देखना छोटा सा। ठीक है, प्रोग्राम दिख रहा है ये वाला। मैं क्लास बनाया CMD। ठीक है, इसके अंदर ले लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, ले सकते हैं हम लोग, किसी कोई दिक्कत। ठीक है, अब उसके अंदर एक लूप लिया हूँ मैं, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप में लिया इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन args आर्गुमेंट्स डॉट लेंथ। मतलब यहाँ से जितनी भी वैल्यूज हम लोग एंटर करेंगे उसकी लेंथ तक वो लूप चलेगा। और कितना स्टेप चलेगा? आई प्लस प्लस, मतलब +1 करके, मतलब सिंगल स्टेप चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे उसको प्रिंट कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन args ऑफ आई। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आर्गुमेंट्स है ये एक प्रकार का एरे है। क्या है? एरे है। क्या है? एरे है। ठीक है, ये एरे जैसे नॉर्मल एरे होता है वैसे ही होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे मेन के साथ डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ से वो कोई ना कोई आर्गुमेंट लेता है। अगर कोई आर्गुमेंट पास नहीं होता है तो वहाँ पे ब्लैंक आर्गुमेंट जाता है। क्लियर? देखो, टू एक्सेस दीज आर्गुमेंट यू कैन सिंपली ट्रेवर्स द आर्गुमेंट्स पैरामीटर इन द लूप और यूज डायरेक्टली इंडेक्स वैल्यू बिकॉज आर्गुमेंट इज इन एरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का वो एक एरे होता है। ठीक है, तो हम लोग एरे को कैसे ट्रेवर्स करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं? लूप के थ्रू। ठीक है, तो वैसे ही जैसे लूप के थ्रू हम लोग दूसरे एरे को एक्सेस करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो प्रोग्राम बना के देखते हैं तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, क्लास लेते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है, किसी भी नाम का हम लोग क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args और इसका एरे हम लोग बना लिए। ठीक है, फिर क्या लेंगे हम लोग? फॉर लूप लिखेंगे, फॉर। ठीक है, फॉर लूप तो आता होगा ना सबको, कैसे वर्क करता है? इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक जाएगा? आई इज लेस देन args डॉट लेंथ।
डॉट लेंथ, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे आई प्लस प्लस, ठीक है, इस टाइप से हम लोग ले लिए। फिर उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, किसको प्रिंट करेंगे हम लोग, ए आर जी एस, ठीक है, और यहाँ पे दे दूँगा अंदर आई, ठीक है। आई की वैल्यू ज़ीरो रहेगी तो आर्गुमेंट पे ज़ीरो थ इंडेक्स में जो भी वैल्यू रहेगी उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। आई की वैल्यू वन रहेगी तो वन थ इंडेक्स में जो भी रहेगा वो प्रिंट करेगा, सेकेंड इंडेक्स यहाँ टू रहेगी तो सेकेंड इंडेक्स में जो भी वैल्यू रहेगी वो प्रिंट करेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जावा सी कमांड लाइन आर्गुमेंट डॉट जावा, ठीक है, कंपाइल हो गया। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे जावा कमांड लाइन आर्गुमेंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10, 20, 30, 40, 50 प्रिंट किया, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है। किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो हम लोग कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ए बी सी डी ई, ठीक है, तो क्या प्रिंट किया, ए बी सी डी ई, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का है। मैं फिर से रन करता हूँ, यहाँ पे कुछ और स्ट्रिंग डालते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने डाल रहा हूँ गुलशन, और बताओ नाम, श्रेया, और का नाम है अतुल, और कौन है, हनी मोनाली, ठीक है, हनी मोनाली, और कोई बच गया क्या, ठीक है, इतने ही है, देखो सबके नाम आ गए, कैसे नहीं दिख रहे यार नाम, दिखे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार से कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का हम लोग यूज करते हैं, क्लियर, सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स जो कैच करता है रन टाइम पे, इस एरे पे कैच करता है जो भी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज डाल रहे हैं, यहाँ पे जो नेम डाले, ये जो वैल्यू डाले, ठीक है, रन करते समय, कंपाइल करते समय नहीं डालना है हम लोग, कब डालना है, रन करते टाइम पे, ठीक है, जब हम लोग रन करेंगे। जावा सी से क्या होता है, फाइल कंपाइल होती है, देखो मैं एक बार कंपाइल कर लिया हूँ इसको, ठीक है, हर बार सिर्फ और सिर्फ रन किया हूँ इसको, ठीक है, क्लियर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बता दो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो तीन चीज़ देख लिए, एरे को कैसे एक्सेस करते वो भी देख लिए, ठीक है, और फॉर लूप भी देख लिए, ठीक है, हाँ बोलो, हाँ हाँ ये लाइन बहुत ज़रूरी है, ये ऐसे ही लिखना पड़ता है, थोड़ा भी चेंज नहीं करता, सब चीज़ स्मॉल में रहेगा, बस स्ट्रिंग का एस कैपिटल में रहता है। स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स नहीं लोगे तो भी एरर ही आएगा, लास्ट क्लास में दिखाया था क्या एरर आता है, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चले।
है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिस्टम डॉट एग्जिट। ठीक है, ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं क्योंकि बहुत सारी जगह यूज़ होती हैं, इसी कारण मैं इसको स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, जावा सिस्टम डॉट एग्जिट एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेट हो जाता है प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इन जावा एग्जिट मेथड इज़ द जावा लैंग सिस्टम क्लास। ठीक है, ये एक क्लास है, सिस्टम क्या है, एक क्लास है। ठीक है, वो उसका पैकेज कौन सा है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर में मिलेगा। ठीक है, दिस मेथड इज यूज टू टेक एन एग्जिट और टर्मिनेटिंग फ्रॉम ए रनिंग प्रोग्राम। ठीक है, जब प्रोग्राम रन करते रहेगा, जैसे ही एग्जिट एनकाउंटर होगा, मतलब एग्जिट रन करेगा, तो वो क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा वहीं पे। ठीक है, इट कैन टेक इधर जीरो और इधर जीरो और नॉन जीरो वैल्यू। स्क्रीन नहीं दिख रहा, क्यों, स्क्रीन में तो सब दिखेगा। आया अभी, अभी दिख रहा है क्या? ठीक है, तो सिस्टम डॉट एग्जिट, एग्जिट जो है इसमें हम लोग दो वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, जीरो या वन या माइनस वन। ठीक है, तीन वैल्यूज हम लोग के पास होती है, या तो जीरो हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है, या नॉन जीरो वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, एग्जिट जीरो अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो एग्जिट जीरो इज यूज फॉर सक्सेसफुल टर्मिनेशन। ठीक है, एंड एग्जिट वन और माइनस वन इज यूज फॉर अनसक्सेसफुल टर्मिनेशन। ठीक है, एग्जिट मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अगर वैल्यू जीरो है तो सक्सेसफुल टर्मिनेशन होगा, एग्जिट वन या फिर माइनस वन हम लोग उसमें डालेंगे तो क्या होगा, अनसक्सेसफुल टर्मिनेशन होगा। क्लियर है? तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, इम्पोर्ट हम लोग को करना पड़ता है, नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लैंग पैकेज के अंदर में है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इम्पोर्ट ही रहता है हमेशा। ठीक है, लैंग पैकेज जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इम्पोर्टेड रहता है। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे एक एग्जिट डेमो नाम का क्लास बनाया गया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे एक इन टैक्स ले लिए हैं हम लोग। ठीक है, एक एक्स नाम का एक एरे ले लिए, उसमें यहाँ पे 5, 10, 15 इस टाइप के हम लोग 50 तक वैल्यू डाल दिए। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आई लेस देन एक्स डॉट लेंथ। ठीक है, मतलब कितना लेंथ है इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो लेंथ क्या है इसकी, 10। तो लूप कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 9 तक चलेगा, और कितना स्टेप चलेगा, सिंगल स्टेप चलेगा। क्लियर? अब इसके अंदर हम लोग एक कंडीशन देती है, इफ़ एक्स ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ठीक है, एक्स ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 40, इसका मतलब क्या होगा कि जो लूप की वैल्यू है, ठीक है, अगर 40 हो जाती है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 40 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, तो 40 इक्वल टू 40 कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट क्या करेगा, प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड, सिस्टम एग्जिट ज़ीरो। ठीक है, क्लियर? एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो वैल्यूज है वो सारी प्रिंट होगी। ठीक है, चलो बना के देखते हैं, इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं ले रहा हूँ क्लास। ठीक है, एग्जिट डेमो। ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन
स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स ले लिए। इसके अंदर मैं एक लूप सॉरी सबसे पहले एक ठोक इंटीजर का एक्स नाम का एक एरे बना लेता हूँ। इक्वल टू कैसे इनिशलाइज करेंगे एरे को, इस टाइप के हम लोग कर्ली ब्रेसेस में 5, 10, 15, 25, sorry, 20, 25, 30, 35 ठीक है, 40, 45, 50 ठीक है, 10 वैल्यूज हम लोग ले लिए। ठीक है, ले सकते हैं, किसी कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब मैं इसको एक्सेस करूँगा तो कैसे एक्सेस करूँगा इसको, लूप के थ्रू। तो मैं लगाऊँगा लूप, ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एक्स डॉट लेंथ, ठीक है, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस, सभी का एक्सेस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सिंगल स्टेप चलेगा हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पे मैं एक कंडीशन देता हूँ, क्या कंडीशन देता हूँ, इफ क्या दूंगा, एक्स ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 40 या 30 देते हैं, नहीं चलो 40 ही देते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिस्टम डॉट एग्ज़िट, ठीक है, और वैल्यू इसमें डाल देंगे 0। क्लियर, ठीक है, अगर 40 नहीं होता है तो एक एल्स पार्ट हम लोग इसका दे देते हैं। ठीक है, एल्स हम लोग देंगे, क्या देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, एक्स इस टाइप को ब्रैकेट और यहाँ पे दे देंगे आई सॉरी प्लस प्लस आई, और यहाँ पे हम लोग फिर से डबल कोट डालेंगे, इस टाइप को ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस करके हम लोग देंगे एक्स ऑफ आई, हाँ ये आई, ठीक है, इस टाइप का हम लोग वैल्यूज दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, अगर मान के चलो 40 नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे मान लो 35 तक की वैल्यू होती है, ठीक है, तो पूरी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। अगर 40 जैसे ही आएगा हमारे लूप में, ठीक है, यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, 40 इक्वल टू 40, ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा, प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड सक्सेसफुली सिस्टम डॉट एग्जिट। क्लियर, मैं इसको सेव करता हूँ और इसको करते हैं रन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जावा सी एग्जिट डेमो डॉट जावा, ठीक है, कंपाइल हो गया, अब करेंगे इसको रन। ठीक है, क्या आया, देखो किस किस का एक्सेस किया, 5 को किया, 10 को किया, 15 को किया, 20, 25, 30, 35, जैसे ही 40 आया प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, क्लियर, और एग्जिट हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आया, ठीक है, तो सिस्टम डॉट एग्जिट इस टाइप से यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ 40 नहीं करके मैं कर देता हूँ 30,
ठीक है, क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, 30 यूज़ कर रहे हैं। सेव किया, वापस मैं यहाँ पे गया, कंपाइल किया और रन करते हैं इसको। ठीक है, तो कब टर्मिनेट हो गया, 30 में टर्मिनेट हो गया वो। ठीक, क्लियर है? ठीक है, ये उसी प्रकार का यूज होता है जैसे ब्रेक यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रेक क्या करता है, ब्रेक जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ लूप को टर्मिनेट करेगा। किसको टर्मिनेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ लूप को टर्मिनेट करता है। सिस्टम डॉट एग्जिट जो होता है वो किसको टर्मिनेट कर देता है, पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। आया समझ में? ब्रेक कीवर्ड जो होता है, जो हम लोग सी में, सी प्लस प्लस में यूज़ कर रहे थे अब तक, स्विच वगैरह में हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो लूप को टर्मिनेट करता है। किसको टर्मिनेट करता है, लूप को, ठीक है, और ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, वाइवा में पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है। प्रोग्राम देखो लिखा है ना, प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, मतलब प्रोग्राम से बाहर आ गया, देखो सीधा यहाँ पे आ गया, प्रोग्राम क्लोज हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, कैसे हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज किए, ठीक है, और हम लोग सिस्टम डॉट एग्जिट का यूज किए। ठीक है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है कभी कभी, शॉर्ट नोट्स लिखने आते हैं दोनों के। ठीक है, क्लियर? कुछ डाउट है किसी को? कल हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर्स। उसमें दो तीन चीज़ें होती है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है। ठीक है, दो तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, बताओ तो कौन कौन से कंस्ट्रक्टर होते हैं, सी प्लस प्लस में पढ़े हो? पढ़े हो ना गुलशन की, नहीं पढ़े हो? एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, थर्ड होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेकिन जावा में जो है वो एक ही, सॉरी दो ही कंस्ट्रक्टर होते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर वहाँ नहीं होता है, पैरामीटराइज्ड और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ठीक है, तो कल उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कुछ पूछना है क्या और? हाँ, इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कमांड लाइन का भी। ठीक है, और इसका भी ले लो। हो गया, ले ली गए स्क्रीनशॉट? ओके, ठीक है, मैं आज जितना अभी तक तो कराया हूँ आज नोट्स भेज दूंगा, है ना, शाम तक मैं। ठीक है, ओके, चलो आज की क्लास फिर यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।